तो गाइस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये वाला ड्रोन जिसका नाम है मैजिक स्पीड X52। तो चलो करते हैं अनबॉक्सिंग। ये हमारा ड्रोन है और इसे हम पहले साइड में रख देते हैं। और ये ड्रोन के साथ हमें ये क्लिप मिला है, ये स्टैंड, एक तरह का स्टैंड है ये मोबाइल जिसे हम ऐसे लगाते हैं रिमोट में, और ये स्टैंड हो गया, इसमें हम मोबाइल वोबाइल रखते हैं। और इस ड्रोन के साथ हमें ये लैंडिंग गियर्स मिले हैं और ये दो पंखे एक्स्ट्रा मिले हैं। और ये हम इसे भी साइड में रख देते हैं और देखते हैं क्या क्या मिला है। ये जो मतलब होता है कैमरे का, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा स्मूथ होता तो नहीं है, बस दे रखा है। और ये इसका कैमरा है। तो गाइस ये हमें वो विंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिले हैं चार, और ये मिला है एक बैटरी। तो गाइस ये बैटरी बड़ी है, हैवी भी है, जितना वेट ड्रोन का है उतना ही वेट इस बैटरी का भी है। हमने देखे सारे पार्ट लगा दिया है ड्रोन का, और लगाने के बाद ड्रोन कितना बड़ा लग रहा है आप देख ही सकते हो। और गाइस आप देख सकते हो बैटरी में लिखा है 1600 mAh, अगर कैमरे में आ रहा हो देखो वो रहा 1600 mAh। और हमें जो इसके साथ मैनुअल मिला है उस पर आप देखो 600 mAh लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा डाउट है, चलो कोई नहीं, पहले हम इसका फ्लैंग टेस्टिंग और कैमरा टेस्टिंग करते हैं। पहले कैमरा लगाते हैं। कोई सेल नहीं मिला रिमोट के लिए, हमें बस ड्रोन का मिला है। तो चलो पहले सेल लगाते हैं। ये हमारा ड्रोन का मैनुअल है और इसमें एक iOS है और एक एंड्रॉयड है। तो हमारे पास एंड्रॉयड है तो हम एंड्रॉयड वाले स्कैन करेंगे। तो स्कैन करने के बाद एक ऐप आएगा, हमने वो ऐप पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, उस ऐप का नाम है FPV। तो उसको डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है, पहले रिमोट को कनेक्ट करना है फिर ओपन करना है, ना तो फिर कनेक्ट नहीं होगा। तो पहले वाईफाई में जाना है और इसका नाम आएगा, सबसे पहले उस नाम को हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर वहाँ ऐप में जाना है, क्लिक करने के बाद हमें ऐप पे जाना है और स्टार्ट दबाना है। और आप देखो कैमरा ऑन हो चुका है। हमने कैमरा कनेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसके साथ बहुत सारे फंक्शंस है कैमरे का, फिर फोटो, फिर वीडियो, और ये फाइल है, इस फाइल में जो भी मतलब हम क्लिक करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो आता रहेगा। और इसमें और भी फंक्शन है, मतलब मोबाइल से भी चला सकते हैं, फिर ये जो मतलब दो आते हैं वीडियो दो चलते हैं वो वाला भी है। तो चले कर पहले हम जाके फ्लाइंग टेस्टिंग और कैमरा टेस्टिंग करते हैं। हम इस ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हो इस ड्रोन का कितना तेज़ आवाज़ है। दो एक दो लाख का ड्रोन आता है उसी की तरह इस आवाज़ दे रहा है, कितना मतलब हार्ड आवाज़ दे रहा है। तो चलो आवाज़ आते हैं इसके प्राइस पे।
तो गाइस जो प्राइस है मैंने इसे परचेस करा था 3,500 रुपये का, तो आप बिल्कुल भी परचेस मत करना क्योंकि इस टाइम पे अगर आप परचेस करोगे तो आपको 7,500 रुपये का मिलेगा। तो इसका रेट घटता बढ़ता रहता है, तो आप जब 3,500 रुपये उससे कम हो जाएगा तभी आप इसे परचेस करना। तो जो गाइस इसका जो रिमोट है वो रिमोट 2.4K Hz का है, जिससे कि मतलब आप ज़्यादा दूर तक फ्लाई करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा है, इसमें आपको दूर तक फ्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और गाइस इसमें जो 3 मोड्स आते हैं, जो तीसरा जो मोड्स है वो स्पोर्ट मोड्स है, उसमें जो स्पीड है इसका बहुत ही हाई हो जाता है, तो उस पर आप बहुत ही बाहर उस मोड पर बहुत ही अच्छी तरह उड़ा सकते हैं। आप देख ही सकते हो इसका कैमरे का क्वालिटी पर आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल रहा है 3,500 के हिसाब से, क्योंकि 3,500 रुपये में तो कोई ड्रोन आता ही नहीं है कैमरे वाला, फिर भी आपको मिल रहा है इतना अच्छा ड्रोन। और पर आपको प्रोफेशनल टाइप कैमरा तो नहीं मिलेगा, पर जैसे मिल रहा है बहुत ही अच्छा मिल रहा है 3,500 के हिसाब से।